मशहूर सिंगर नेहा कक्कर एक बार फिर इंडियन आइडल 13 के मंच पर नजर आएंगी। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर है। इस शो के कंटेस्टेंट के साथ साथ जजेस की मस्ती भी दर्शकों को पसंद आती है। ऐसे में नेहा की कमी शो में खल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर नेहा जज की कुर्सी पर वापसी कर रही है। यूं तो नेहा अब रोहनप्रीत सिंह के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन कभी इसी शो पर अपने प्यार का कबूलनामा किया था, लेकिन रोहन के साथ नहीं। नेहा कक्कड़ ने यूं तो कई हिट गाने दिए हैं। आज ब्लू है पानी पानी हिट चार्ट बस्टर में से एक है, लेकिन इस गाने से सिर्फ सुनने वालों का नहीं नेहा का दिल भी झूम उठा था। नेहा और हनी सिंह का सॉन्ग मशहूर फिल्म यारियां का है। इस गाने की शूटिंग के दौरान ही नेहा की मुलाकात फिल्म के एक्टर हिमांश कोहली से हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। दोनों ने खुलकर एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार किया, अपने इश्क को छिपाया नहीं। इतना ही नहीं, इंडियन आइडल 10 के मंच पर दोनों ने सबके सामने एक दूसरे के लिए प्यार कबूल किया था। ऐसा माना जा रहा था कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन करीब 3-4 साल के रिलेशनशिप के बाद नेहा और हिमांश ने अपने ब्रेकअप की खबर देकर फैंस को चौंका दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में नेहा कक्कड़ ने कहा था कि मैं सिंगल ही खुश हूँ। जिस वक्त मैं रिलेशनशिप में थी तो कभी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को समय नहीं दे पाती थी। मैं अपना सारा समय उस इंसान को दे रही थी जो डिजर्व ही नहीं करता था। इसके बाद भी उसे मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं उसे समय नहीं देती हूँ। वही बॉम्बे टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में हिमांश ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि नेहा को लेकर सीरियस था, शादी करना चाहता था, लेकिन नेहा ने ब्रेकअप का फैसला ले लिया। मैंने सिर्फ उनके फैसले को मान लिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि नेहा और हिमांश अलग क्यों हुए, लेकिन हिमांश से रिश्ता टूटने के बाद नेहा एक बार फिर अपने सिंगिंग करियर पर फोकस करने लगी। नेहा की लाइफ में रोहनप्रीत सिंह की एंट्री हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों ने साल 2020 में धूमधाम से शादी कर ली। नेहा और रोहनप्रीत एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। बता दें कि नेहा ने इंडियन आइडल के सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मियो बोल्स को, ज्यादा जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।